सब्सक्राइब करिए टुडे स्पोर्टिव्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस और टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलवंत और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टुडे स्पोर्ट टिप्स पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप कैसे बन सकते हैं, कैसे अपने करियर को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, तो लास्ट तक शुरू देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए, जिसके बाद क्या है कि आप अपने करियर का चुनाव अच्छे से कर पाए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का टाइम है ना डिजिटल होता जा रहा है, डिजिटल होने के साथ साथ दोस्तों इंटरनेट कनेक्टिविटी भी काफी ज्यादा जरूरी हो गई है। तो ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ये हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं, जिससे क्या है कि हम अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर पे है ना इंटरनेट का यूज कर पाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों बात करें कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनने के लिए क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। वैसे तो दोस्तों इसके लिए कोई भी कॉलेज की डिग्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आप नौकरी करना पसंद करते हैं इससे रिलेटेड, तो दोस्तों बताना चाहूंगा उसमें क्या है कि जो भी कंपनी है या फिर दोस्तों जो भी नौकरी देता है तो उन कैंडिडेट को रखना पसंद करते हैं जिनके पास क्या है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंटरनेट, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड ग्रेजुएट है वो डिग्री होती है। अगर आप रियली में अगर आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या है कि कंप्यूटर हार्डवेयर या फिर दोस्तों कंप्यूटर में आप मास्टर डिग्री कर लेते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर आप अपने करियर को इसके अंदर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों बताना चाहूंगा साइंस, कंप्यूटर साइंस से है ना दोस्तों आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो दोस्तों आपका क्या है कि 10वीं और 12वीं है ना पास होना जरूरी है, इसके बाद आप क्या है कि आगे के लिए ना अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अपने खुद का है ना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है कि आपको इसके लिए ना थोड़ी बहुत जगह की रिक्वायरमेंट हो सकती है आपके पास जो भी उपकरण है उनको रखने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या है कि एसी तो आपको क्या है कि वातावरण की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है कि उपकरण जल्दी गर्म हो जाते हैं और ज़्यादा गर्म होने से दोस्तों जो उपकरण है वो क्या है कि खराब भी हो सकते हैं, तो इसलिए क्या है कि आपको एसी यानी दोस्तों एयर कंडीशन जो है क्षेत्र की आवश्यकता होती है। दोस्तों बताना चाहूँगा कनेक्टिविटी के लिए दोस्तों जिसमें क्या है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल, वाईफाई पेयरिंग जो है, इसके साथ साथ दोस्तों इंटरनेट तब से आप कनेक्टिविटी हासिल जो है कर सकते हैं। और वहीं दोस्तों बात करेंगे इक्विपमेंट की कौन कौन से की जरूरत होती है, दोस्तों बताना चाहूंगा इसके लिए आपको सर्वर, इसके अलावा दोस्तों एंटरप्राइज जो स्तरीय राउटर और कंप्यूटर, इसके अलावा दोस्तों बिजली जनरेटर, इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि भी कस्टमर की प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करने के लिए आपको जो है टीम की जरूरत होती है। दोस्तों स्किल्स की बात करें तो दोस्तों बताना चाहूंगा आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ दोस्तों है ना आपका है ना जो मैनेजमेंट पावर है ना वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपको है ना किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना अच्छे से आना चाहिए और इसी के साथ साथ दोस्तों टीम वर्क करना भी जरूरी होता है। इसी के साथ साथ दोस्तों इंटरनेट जो सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड आपको है ना नॉलेज होनी जरूरी है। और वहीं दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की अगर इनकम की बात करें तो दोस्तों जितना चाहे ना उतना आप पैसा कमा सकते हैं इसके अंदर, यानी कि दोस्तों आप लाखों में भी इसके अंदर कमा सकते हैं। जैसे जैसे दोस्तों आपका जो अनुभव बढ़ता है, जैसे जैसे आपकी जो है मार्केटिंग बढ़ती है, जैसे जैसे दोस्तों मार्केट में आपकी जान पहचान बढ़ती है, वैसे वैसे दोस्तों आपकी जो है इनकम भी है ना दोगुनी होना शुरू हो जाती है, उसके अलावा चार गुना होना शुरू हो जाती है, यानी दोस्तों करोड़ों तक भी आप अपनी इनकम को लेकर जा सकते हैं। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है दोस्तों, इस तरह से आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बनकर अपने करियर को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके सामने ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।